बहुत ब्राइट है। एक सेकंड ना परी। नरेंद्र सर क्या प्रॉब्लम है? आप पिछले 15 मिनट मुझे 5 बार फोन कर चुके हैं। अच्छा सॉरी सॉरी मैं फोन नहीं करता, तुम्हारी बहुत जरूरत है, मुझे इसलिए फोन किया मैंने। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या क्या जरूरत है आपको बताइए मुझे। हाँ सब ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए स्टफ टॉय खरीदने में। मैं सोच रहा हूँ कौन सा लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, हेल्प करो ना प्लीज। नरेंद्र सर लेकिन आपको टॉय क्यों सिलेक्ट करना है? अरे हमारे बच्चे के लिए। नरेंद्र सर मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अभी टाइम है, और वैसे भी जब बेबी हो जाएगा उसके बाद हम बेबी के लिए टॉय खरीद लेंगे, अभी से खरीदने की क्या जरूरत है? एक मिनट में ये वाला ले लूं। अंकिता ये अच्छा है? अंकिता ये अच्छा है। अच्छा है ना, मुझे भी बहुत सही लगा ये। अब नरेंद्र सर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके ओके बाय। वाओ दिस इज अ नाइस कलर, आर यू श्योर? या ब्राइट तो नहीं है परी? एंगेजमेंट है तुम्हारी, ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं एंगेजमेंट में ना। प्यारा कलर है, तुम पे बहुत अच्छा भी लगेगा। अच्छा दिखाओ एक सेकंड। एक काम करो ना, तुम ट्रायल लेके देखो, जाओ जाओ। तुम कह रही हो तो नाइस नाइस। आर यू ओके? या लू कहाँ है? उस तरफ। आर यू ओके? थोड़ा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। चेकअप करवाया? नहीं, दरअसल आज मैंने ना वो पानी पूरी खा ली थी रोड पे, तो उसकी वजह से। ओ फर्स्ट प्रेगनेंसी। अंकिता परी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है तुम पे, ये कलर भी कितना सूट कर रहा है ना तुम पे। आर यू श्योर? या 100% बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ परी, मैं यही सोच रही हूँ कि शेखर तुम्हें देखेगा तो वो तो एकदम खुश हो जाएगा तुम्हें देख के, ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, हम ये ले लेते हैं ठीक है। एक्सक्यूज मी ये वाला चाहिए, आप प्लीज इसे पैक करवा दीजिए। जी मैम। परी जाओ तुम चेंज कर लो। नाइस। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। सचिन। हाँ बा बेटा, सारी तैयारियां हो गई ना? मेरी होटल मैनेजर से बात हो गई है, एवरीथिंग इज डन। वैसे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, एंगेजमेंट तो दोपहर को है ना? बेटा परी की शादी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अर्जुन और पूर्वी की गैर हाजिरी में मैं उनकी बेटी का कन्यादान करने जा रहा हूँ, इसलिए चिंता तो होगी ना। बस एक बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के लोग छोटी सी छोटी तैयारियों में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। मुझे जितना तुम लोगों पे भरोसा है उतना किसी पे भी नहीं। एक मिनट। हेलो मिस्टर बैनर्जी। हाँ मानव, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, एयरपोर्ट पर ही हूँ। ओह ग्रेट, कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अर्चना एंगेजमेंट के लिए मेरे कपड़े निकाल लेना। हजूबा इस उम्र में भी आज ही आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करती है, दैट इज सो क्यूट। बेटा हमारी डील है, मैं उसके लिए साड़ी सिलेक्ट करता हूँ और वो मेरे लिए कपड़े। तो उसके लिए तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा, आज ही माता के मंदिर गए हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। अच्छा सुन, वो केटरर से बात कर लेना। हजूबा जस्ट रिलैक्स, मैं सुलोचना जी को ये सूप और मेडिसिन देकर बस आपका ही काम करने वाली थी। आई ठीक है ना? बेटर है। अरे हाँ, आज का मेन्यू। आसोबा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब सेट कर दिया, एक बार शेखर जी से बात कर लेती हूँ फिर सब फाइनल हो जाएगा। गुड। ओके हाना उठो ना प्लीज, इतनी देर से सो रही हो। आना कंफ्यूजन है आना।
आना कुकड़ू कु चलो उठ जा। मुझे बहुत थकावट सी हो रही है, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज। आना तुम शायद भूल गई हो, आज शेखर की एंगेजमेंट है, याद है ना? याद है। तो तुमने शेखर की मॉम को क्या प्रॉमिस किया था कि तुम जल्दी आ जाओगी, उनकी हेल्प करोगी? मैम नहीं तो मुझे याद है, लेकिन मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे कल रात को बहुत सारी उल्टियां भी हुई, थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज ना। एक मिनट, उल्टी हुई सच्ची? यस, क्या हुआ? यू प्रेग्नेंट ना? कुछ भी, आप कोई भी बात कहीं भी ले जाते हैं। मैं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ ना, मैंने फिल्म में देखा, ऐसा ही होता है, जब उल्टी हो तो मतलब प्रेग्नेंट हो गई। नरेंद्र सर, वो फिल्म है ना, ये रियल लाइफ है, मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए इतनी सारी उल्टियाँ हो गई। पेट में भी दर्द हो रहा है? पर तुमने ऐसा क्या खाया जो तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया? वो मैंने पानी पूरी खाई थी परी के साथ, मैं बाहर गई थी ना कल, तभी मुझे छोड़ दिया था, अकेले जाके पानी पूरी खा ली वो परी के साथ। तो आप नहीं थे, तो वही मेरे साथ थी, इसलिए उस वक्त मैंने उसके साथ खा ली। तो फिर तुम हर वक्त मुझे साथ ही रखा करो ना। आपकी बातों से कोई नहीं जीत सकता ना। मेरी इंटेलिजेंट बात सुन। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं, एक मिनट रुको। नहीं नहीं नरेंद्र सर, नरेंद्र सर प्लीज, मैं ठीक हूं, मैं सच बोल रही हूं, मैं सच्ची ठीक हूं। पक्का? पक्का सर, प्लीज मत बुलाइए डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा बताओ पहनना क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या ये, और सॉक्स बताओ। अच्छा, ये ब्लैक वाली सॉक्स या लंबी वाली ब्लैक सॉक्स? सब मैंने अभी तक अपने कपड़े भी फाइनल नहीं, अब सॉक्स तक पहुंच गए। अरे मैंने तो सब डिसाइड कर लिया है, अंदर क्या पहनना है, बाहर क्या पहनना है, और तुम्हारे लिए सब डिसाइड कर लिया है। हम दोनों मैचिंग मैचिंग पहनेंगे ना, मजा आएगा। सर लेकिन आपने मेरे लिए क्या डिसाइड किया, मतलब मैं क्या पहनने वाली हूँ? वॉशरूम में रखा है, देखो अगर तुम्हें पसंद है तो तुम वही पहनना। ओके ठीक है, थोड़ी देर सो जाती हूँ फिर जाते हैं। हाँ मैं जाना है, मेरे से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं सच्ची, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, मैं अच्छा लगेगा। ठीक है मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, लेट जाओ। इट्स ओके, परी परी, तेरे लिए मैं ये आई का आशीर्वाद लेकर आई, इसे हमेशा अपने पास रखना। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी परी सच्ची बड़ी हो गई, तेरी शादी होने वाली है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो खुश है ना? तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, बप्पा करे तुझे इतनी खुशियां मिले कि तुझे कभी अपने अतीत की याद ना आए। आज के बाद मेरा अतीत मेरे आज या कल के बीच नहीं आएगा, मेरी शादी के साथ मेरी गलती का भी आज ही, मेरे अतीत ने सिर्फ मुझे ही नहीं आप सबको भी बहुत दुख दिया है। तो मैं आज से बल्कि अभी से इस पे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दूंगी और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी, सब कुछ भुलाकर। तो खुश है ना? हाँ। अरे प्रिया, तुम्हारे पास नेल पेंट रिमूवर है क्या? आई एम नॉट श्योर बट मैं चेक करती हूँ। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर गलती से तेरे पास निकल आया तो फिर वही नहीं, नया नहीं खरीद पाएंगी, समझ रही है ना? शॉपिंग नहीं जा पाएंगी, वैसे वही नहीं आपकी नींद पूरी हो गई? यू मीन ब्यूटी स्लीप? हाँ राइट, बहुत जरूरत है। वैसे एक बात बताओ दादा, सगाई तो परी की है तो ब्यूटी स्लीप ये क्यों, मतलब जरूरत है, जरूरत है, चाहिए तो और सोलो। क्या है? हाँ क्या है, इतनी गर्म दाल, तुम चाहती क्या हो? यही ना कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलती रहूं ताकि तुम मुझे सुना सको, टॉर्चर कर सको? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या कह रहे? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो, जानबूझ के किया ना तुमने मेरे साथ ये, ताकि मेरे मुंह में छाले पड़े, हाँ मेरा मुंह जल जाए और मैं मर जाऊं। मैं मर गई तो तुम्हें शांति मिलेगी, नहीं मेरा बेटा रहता तब तो तुम उसके सामने कितने अच्छे से बात करती हो, हंस हंस के बोलती हो, अब वो नहीं है तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही हो। नहीं आई, वो मुझसे गलती हो गई, पता गलती? नहीं। इतनी बड़ी गलती, ये गलती नहीं हो सकती है,
माना तुम्हारे घर में दो छोटे बच्चे जिनको तुमने इतने सालों से बड़े होते हुए देखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे मैं भी, तुमने तो किया ही क्या है। अंकिता थी ना तुम्हारी बड़ी बहन, वो सब कुछ करती आई है, उसने तुम लोगों को संभाला है, उसी ने सब कुछ किया है। आजकल की लड़कियां शादी करके अपने पति के साथ सुकून की और ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालना जानती। आई एम सॉरी, मैं बना। चुप बैठो तुम। आई आज मेरी एंगेजमेंट है और तू नहीं है, प्लीज ट्राई करना। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत याद आ रही है तेरी। थैंक यू, आई लव यू टू, बाय। इसे ढूंढ रही हो ना? मैं इसे पॉलिशिंग के लिए ले गई थी। अब देखो इसका स्टोन वर्क और भी ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत प्यारी लगोगी तुम इसमें। थैंक यू मौशी। थैंक यू, अब मार खाएगी तू मुझसे। मौशी आई का दूसरा रूप होता है और आई को थैंक यू नहीं बोलते। आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी। परी, पता है मेरी लाइफ में तुम्हारी बहुत ही स्पेशल जगह। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लड़ाई होने का एहसास क्या होता है, तो सबसे पहले तुमने मुझे फील करवाया। तुम्हें पता है मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे हर वो पल याद है जो मैंने तेरे साथ बिताया। किस तरह हम सब सोने जा रहे होते थे तो तू रोने लगती थी, फिर हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था तुझे चुप कराने के लिए। अचानक से तेरा खेलने का मूड होता था, बहुत परेशान किया तूने, तू विश्वास नहीं करेगी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एक दिन नहीं था जब मैंने तुझे मिस नहीं किया। तू पहले मेरे साथ नहीं थी, पर तेरी यादें हमेशा मेरे साथ रही, हमेशा मेरी पहली बेटी रहेगी। तुझे पता है जब पिया हुई थी ना, तो मैं तेरे लिए और भी ज्यादा खुश हो गई थी। क्यों? क्योंकि तुझे बॉस गिरी करने के लिए मेरी छोटी बहन जो मिल गई थी। परी हर आई चाहती है कि वो अपनी बेटी को उसके सगाई में उसे सजाए, उसे सवारे, चाहे वो बहुत खुश हो रही हो पर अंदर से रो रही होती है। और भी आज तुझे बहुत मिस कर रही होगी, पर आज वो नहीं है तो मुझे ये सब मौका मिला करने का। शायद मैं जो तुझसे इतने साल दूर रही ना, उसकी भरपाई है ये। देख परी, तू आई और बाबा की पहली पोती और आजोबा और आजी की पहली पर पोती। आज इस घर की लक्ष्मी किसी और के घर की लक्ष्मी बनने जा रही है। सबके लिए बहुत स्पेशल डे आज। मौशी, तुझे पता है आज आई मेरे साथ नहीं है। कुछ देर पहले मैं उसको बहुत मिस कर रही थी, लेकिन अब तेरे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पापा ने तुझे मेरे लिए भेजा। एक ही कमी थी मेरी सगाई में, अब वो भी पूरी हो गई।
गरम दाल जान बुझ के तुमने मुझे दी ना, ताकि मेरे मुंह में छाले पड़े, हाँ मेरा मुंह जल जाए और मैं मर जाऊं। आजकल की लड़कियां शादी करके अपने पति के साथ सुकून की और ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालना जानती। दादा दादा दादा, ये क्या होता है? ये मिक्की माउस है। सुनो जाके पढ़ाई करो। मैम क्या हुआ, हो गए तुम लोग की पढ़ाई खत्म? अनु तू ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है? क्या सब प्रशांत? शशांक क्या ही तेरे साथ? प्रशांत आई बस मुझसे नाराज है थोड़ा, तुझे पता है ना हमने उसको बिना बता के शादी की है, और देख आजकल उनकी तबीयत भी इतनी खराब है, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ा रही है और कुछ नहीं। और प्रशांत अगर हमारी आई होती और वो हमसे ऐसे बोलती तो थोड़ी ना मुझसे बात करना बंद कर देते या नाराज हो जाते। लेकिन ये गलत है ना मन्नू, तू उनकी बेटी की तरह सेवा करती है, इतना तो उनकी सगी बेटी होती तो वो भी नहीं करती, फिर भी वो तेरे साथ। जाने देना प्रशांत। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, वो तेरे साथ नौकरों की तरह बिहेव कर। जैसे भी पेश आ रही है कम से कम वो मुझसे बात तो कर रही है ना, और देख हमारे साथ रहने भी आ गई, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ, नाराजगी में ही सही पर हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा है अब। और देखना चाहे जो कुछ भी हो जाए एक दिन मैं उनका दिल जरूर जीत के रहूंगी। तो जरूर कामयाब होगी। अच्छा ये सब छोड़, तो अपना मूड ठीक कर ले और जाके जल्दी से तैयार हो जा, परी के एंगेजमेंट में नहीं जाना। और सोनू और प्रणव तुम लोग भी तैयार हो जाओ, आज परी ताई के एंगेजमेंट है ना, जाना नहीं है? ताई? हाँ ताई, हम सब जाएंगे और बाबा को भी लेके जाएंगे। बाबा? मुझे नहीं लगता बाबा आएंगे, बाबा ना कोई फोन कर रहे हैं। ताई, जब वो खुद मिलने आए थे तो फोन क्यों करेंगे? क्या? बाबा मिलने आए थे? कहाँ? हाँ ताई, तो स्कूल के बाहर मिले थे और हमें गर्मा गर्म वड़ा पाव भी खिलाए। बाबा बच्चों से अचानक कैसे मिलने आए? मनु मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूरी उनका पैसे मांगने का कुछ नया तरीका हो। साहब पगार कितनी मिलेगी? काम ज्वाइन किया नहीं, पगार पूछ रहा है। अरे एक स्पेशल कटिंग देना मेरे लिए। अच्छा एक चीज बताओ, इसके पहले कभी किसी होटल में काम किया है? हाँ हाँ, हम पहले एक तो होटल में रसोईया थे, हमरे को सब आता है, बर्तन मानना, झाड़ू मारना, पोछा कट का सब सब कर लेते हैं हम। अच्छा तो फिर वहाँ क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं साहब, वो दरअसल क्या है, वो 20 साल पहले कर। क्या क्या बोल रहा है तू, 20 साल पहले तूने काम छोड़ा, उसके बाद से कोई काम नहीं किया? नहीं साहब, लेकिन यकीन मानिए हम पहले से बेहतर काम कर सकते हैं, हम सभी कुछ कर सकते हैं, एक बार भरोसा करके देखिए हमरे पे। नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं रख सकता, होटल में 18-18 घंटे काम करना पड़ता है भाई, इस उम्र में तू कैसे करेगा? हम आपके के हाथ जोड़ते हैं, हम लोग को काम दे दीजिए, यकीन मानिए हम पहले से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोग को काम दीजिए। हम चल निकल, चल। नहीं प्रशांत मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है बाबा सच में सुधर रहे हैं। अच्छा चलो तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ, जाओ। प्रशांत मुझे लगता है बाबा सचमुच सुधर रहे हैं, आजकल वो लोगों की मदद करने लगे हैं। वो औरत याद है तुझे जिसकी उन्होंने जान बचाई थी? और बाबा बच्चों का हालचाल पूछने के लिए फोन भी कर लेते हैं। पता नहीं मन्नू, शायद तू सही कह रही है, लेकिन मैं अभी भी उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो हमेशा इसी तरह अच्छाई का बहाना करके हमें बेवकूफ बना देते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल कहता है कि बाबा सचमुच कोशिश कर रहे हैं सुधरने की, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तू है तोरी जिंदगी पर राघव, अब तोरे छोटे छोटे बच्चे भी तोरे को चोर समझने लगे हैं, तो का उन लोगों का नजरिया बदलना होगा, मेहनत से पैसे कमाने होंगे तोरे को। अरे दिखाई नहीं देता, पागल है क्या? ससुर देख कर जा सकता का? देखो बेटा वो। हाँ, कोई बात नहीं, कहाँ जाना है आपको? हमको उधर गैरेज पे जाना है, पास में ही हमारा गैरेज है। आइए 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 आराम से। ठीक है धन्यवाद, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अरे भैया कौन है, पानी लो। कोई नहीं आएगा, वैसे भी मेरा जूनियर मैकेनिक छुट्टी लेकर गाँव गया हुआ है, मैं अकेला ही यहाँ पर काम करता हूँ, काम ज्यादा होता है तो एकाध दो लोगों को पगार देकर बुला लेता हूँ, और वैसे भी अच्छे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं।
अरे भैया कमाल की बात कर रहे हो, तेरे को काम वाले की जरूरत है, हमरे को काम की, हमरे को ही रख लो। हाँ हमरे को मालूम है, अब आप पूछेंगे कि हम पहले कभी गैराज में काम किए कि नहीं किए, पहले बता देते हैं, 20 साल पहले ही काम भी कर चुके हम। मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है तुमको? हाँ हाँ। अरे ऐसे नहीं कुछ समझ लीजिए। मगर भैया यहाँ तो अलग अलग तरह की गाड़ी रिपेयर होने के लिए आती है। तो कर लेंगे ना। अरे भैया बहुत नसीब वाले हैं जो आपके काम का आदमी खुद आपके पास चल के आया है। अरे सोच कर रहे, रख लीजिए फटाफट, नहीं तो कहा होगा ये गाड़ी यही सड़ती रह जाएंगी, या तो एक जो मालिक है वो दूसरे गैराज में डाल देंगे, आपका गैराज खाली पड़ जाएगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा करो तुम कल से ही काम पर आ जाओ, हम तुमको 3,000 रुपया महीना देंगे और जो टिप्स विप्स मिलेगा वो तुम अपने पास रख लेना। हे मालिक, हमरे को 3,100 रुपए दो। उका है? अरे उका है कि सारा दिन जो काम करेंगे उसके बाद थक जाएंगे तो थोड़ी पीनी पड़ेगी, तो जो 100 रुपए टिप मिलेंगे उससे हम थोड़ी। मतलब 100 रुपया दारू पीने में रोज बर्बाद करोगे तुम? अब तो हम तुमको 2,900 रुपया ही देंगे। 3,000 दीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर दारू पी कर आए तो सोच लेना। नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। आई चप्पल ठीक है, कभी से कर सकते स्टार्ट आज से, अभी से। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, अब भाई कर लेते हैं।